नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्प टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम बात करते हैं, जो जैसे आप बैंक जाते हैं, बैंक में जैसे आपको पैसा जमा करना होता है, पैसा जो डिपॉजिट वाली जो रसीद होती है उसको कैसे भरना है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सिंपली देखिए, यहाँ पर ये पर्ची है, वो जमा खाते जमा धनराशि वाली जो पर्ची है वो ये हमारे सामने है। इसको भरना कैसे है, सिंपली आप यहाँ इधर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, शाखा ब्रांच पूछ रहा है। सिंपली यहाँ पर आपकी जो भी ब्रांच लगती है, जैसे हमारी लगती है कानपुर ब्रांच है, हमारी कानपुर की ब्रांच है, हमने यहाँ सिंपली कानपुर कर दिया। इसके आपको दिनांक जो भी दिनांक आज जैसे 21 तारीख है, हमने यहाँ पर सिंपली वही डेट फिल कर दिया। फिल करने के बाद नीचे आते हैं, अकाउंट नंबर देखिए, इस पर अकाउंट नंबर मांग रहा है ये आपको, जो आपका अकाउंट नंबर जो आपका खाता संख्या, सिंपली एक एक अंक खाता संख्या के भर देने हैं यहाँ पर। फिर नीचे बात करें नेम, अपना नाम भर देना जो आपकी पासबुक में प्रिंट है वो नाम भर देना। इसके बाद नीचे आते हैं, इस पर जो आपका अमाउंट, जितना आपका अमाउंट जमा करना है, जैसे हमें जमा करने हैं 40,000 रुपया जमा करना है, ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर 40 लिख के ये लाइन खींच देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे के ऑप्शन पर आते ही यहाँ पर देखिए कैश का नाम, अगर आप उससे चेक से भर रहे हैं तो चेक का यहाँ पर ब्यौरा मांगेगा, चेक नंबर, नहीं सिंपली आपको यहाँ पर नीचे आना है, फिल करना है 40, यहाँ पर टोटल में 40,000 फिल कर देना है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन आपका फिल हो गया है। फिर आते हैं इधर वाले में, इधर वाले पे आपको जमा पर्ची है, इस पर जैसे आपकी 40,000 में 40,000, जैसे 500 की दो नोटें हैं, 500 की मान लीजिए आपके पास नोटें हैं 10, तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 5। फिर उसके बाद 100 की, जैसे 200 की नोटें होंगी आपके पास, 200 को मान लेते हैं हम 20 नोटें हैं, या 100 की जितनी नोटें होंगी आपके पास, 100 के मान लेते हैं 10 नोटें, ठीक है, जितनी टोटल नोटें यहाँ पर आपको सिंपली कितने हैं, जितने आपने टोटल जमा करने हैं 40,000 यहाँ पर फिल कर देने हैं, क्रॉस कर देना है यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद इधर आते हैं, इधर आपको अकाउंट नंबर आपका फिर से अकाउंट नंबर जो आपका अकाउंट नंबर है वो खाता संख्या वो आपको सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर डेट डाल देनी है, यहाँ पर सिंपली डेट डालने के बाद आपको नीचे ब्रांच जो आपका नाम है पासबुक में वो फिल कर देना है एक बार फिर से, मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है, अपना ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो ईमेल आईडी फिल कर देना है। इसके बाद आपको जितने रुपया फिल करने, जैसे 40,000 है तो 40,000 रुपये ज़रूर लिखना है, जितने भी हैं आप जितने भी रुपये जमा करने आपको रुपये लिख के डैश कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर वो सिंपली वही टोटल कितने हैं 40,000, यहाँ पर भी 40,000 क्रैश, यहाँ पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर जो भी आप सिग्नेचर करते हैं, सिंपली आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। हस्ताक्षर करने के बाद ये आपका जमा पर्ची तैयार हो गई, आप सिंपली जाके बैंक मैनेजर को देकर जमा कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।